निकाय क्षेत्र के 67 वार्डों में से 33 सीटों पर कांग्रेस ने कब्जा किया है, जबकि 25 सीटों पर भाजपा ने अपनी जीत दर्ज कराई है। वहीं 5 सीटों पर जेसीसीजे और 4 निर्दलीय प्रत्याशियों ने भी जीत दर्ज कराई है। इन सबके बीच में नगर पालिका के मौजूदा अध्यक्ष कांग्रेस प्रत्याशी सावित्री सोनी अपनी सीट नहीं बचा पाई है। आंकड़ों पर अगर गौर किया जाए तो मुंगेली नगर पालिका के कुल 22 वार्डों में से 11 सीट पर बीजेपी ने जीत दर्ज कराई है। वहीं कांग्रेस ने 9 सीटें जीती है। नगर पंचायत पथरिया की बात की जाए तो यहां कुल 15 वार्ड में से कांग्रेस को 10 सीट, भाजपा को 4 और निर्दलीय को 1 सीट मिली है। सभी आंकड़ों की बात करें तो फिलहाल ज्यादातर वार्डों में कांग्रेस का कब्जा है, लेकिन अध्यक्ष किस पार्टी से होगा उसका दावा अभी नहीं किया जा सकता है। चुनाव परिणाम के बाद विजयी प्रत्याशियों को कलेक्टर और एसपी ने प्रमाण पत्र देकर बधाई दी। ये चुनाव परिणाम तो केवल औपचारिकता मात्र है। मैं जीत तो उसी दिन गया था जब मेरा वार्ड का आरक्षण आया और हाथों हाथ मेरे वार्ड के मतदाताओं ने मेरे ऊपर विश्वास की मुहर लगा दी। मुंगेली की जनता ने भरोसा। डबरा की एंटी माफिया टीम